राम राम, सत श्री अकाल सारे भाइयों भाई। आज की वीडियो भाई जो आपां अपने तालाब बना रहे हैं, जोड़ बोलते हैं जिसको, तालाब बोल लो या टोबा भी बोलते हैं, छप्पड़ भी बोलते हैं पंजाबी में, तो उसकी वीडियो जैसे अपने ये लगे हुए हैं मिस्त्री भाई, तो उसके ऊपर बना रहे हैं भाई। ये जो लेंटर लूंटर दिया था या जो उसकी चिनाई है उसके ऊपर ही ये वीडियो बनाई जा रही है। और ये कापा तो ट्रायल है, जैसे बनने लग रहा है। जब ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा तो आप सब भाइयों को इसकी पूरी जानकारी पानी से भर के पशु छोड़ के वो भी दिखाई जाएगी भाई कैसे कामयाब। देखो ये चीज़ें जिसकी कामयाब हो जाए वही बढ़िया है, और कामयाबी के ही लिए ही बनाई गई है, चाहे कोई भी काम है। ये जैसे इसके नीचे पहले खड़ौंजा टाइप ईंट लगाई भाई, कई भाई रोड़े भी कूट ले हैं। देखो टाइम की बात हो है, टाइम नहीं था तो चलो ये चटका टाइप ईंट है, ये नीचे को बिछा दी थी। इसमें लगभग 2000 के लगभग ईंट लगी होंगी, 20x20 का ये तालाब बना रहे हैं, पूरा का पूरा 20x20 का बच जाएगा ये दीवारों से भी अलग। तो उसमें ये खड़ौंजा टाइप ईंट लगा के ये सरिया बांधा गया भाई, मजबूती पूरी ली गई है। देखो ये है जो पानी का दबाव है वो दीवारों पे, दीवार तो इसकी नीचे मिट्टी में दब जाएंगी, और जो नीचे का है ये नहीं कि भाई आज 1, 2, 4, 5 साल के लिए, देखो ये तो पक्का बन रहा है, और आगे परमात्मा की मर्जी है भाई कैसी ज़िंदगी रहा है, कैसा आगे बच्चे चल कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं। तो आज मौके पे जो बिजनेस आप पशुओं का कर रहे हैं या पशु पाल रहे हैं तो उसके आधार पे आप आज के लिए तो पक्का ही सोच रहे हैं भाई अच्छा ही काम करें। तो उसमें ये सरिया डबल बंधवाया भाई, बीच में घोड़ी गाड़ी ही दे के, और जो लेंटर का साइज था इसका लगभग 9 से 10 इंच हुआ। उसमें खर्चा तो लगभग तालाब का 2 लाख के लगभग बैठेगा भाई, फिर कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर अपने को सुविधा चाहिए है तो उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा भाई, और खर्चा इन्हीं भैंसों का दिया हुआ है, जो पशुधन है इसी ने दिया है, और इसी के अंदर ही लगाने में अपने को कोई अर्ज नहीं है, और इन्हीं के बेस पे अपने ये जो ज़मीन थी पशुओं के उस पर ही ली गई थी भाई। डेयरी बनाएंगे एक बार, थोड़ा हा ये था कि भाई चलो उधर ही सेट है, फिर जैसे जैसे काम बढ़िया या बढ़िया सिस्टम चलिया हुआ तो उसमें मन किया कि भाई चलो अपनी रिहायश भी इधर करेंगे, और थोड़ा खुला डुला हा सिस्टम हो जाए और कुछ 2-4 पशु और अच्छे रख सकें। तो ये लेंटर लग गया, इसमें 55 कट्टे के लगभग जो सीमेंट थी वो लगी है, और बजरी क्रेशर ये सब चीज़ें डाल के पूरा मजबूती से लेंटर बनाया गया है। देखो अपना काम रहे भाई जी, अपने काम पे ही फोकस रखना, किसी के दूसरे में ना अपन टांग अड़ाते ना किसी को कहते, चलो जैसा भी है अपना कर रहे हैं, किसी की टेंशन नहीं। देखो चलता रहता है थोड़ा बहुत इधर उधर, फिर अपने को कोई उस चीज़ की टेंशन नहीं है कि भाई आप किसी के बारे में गलत बोल लें, या मेरे को बहुत से भाई फ़ोन करके कहते हैं कि भाई फलाना बंदा ऐसे, अपने को कोई टेंशन नहीं है। आप अपने काम पे फोकस रखेंगे तो कामयाब होंगे भाई। अगर दूसरे के काम पे आप फोकस करा हाँ या कोई भी बातें इधर उधर की बोला हाँ तो वो कामयाबी की राह नहीं है। और रही पशुपालन के धंधे में, जैसे व्यापार में पशु बेचने वाली बात, वो परमात्मा की दया से आपके भाई के बहुत अच्छे बिक रहे हैं और बिकते रहते हैं भाई। आप सब भाइयों का साथ है, परमात्मा की दुआ और मेरे परिवार की मेहनत है। एक भाई का मैसेज आया था कि भाई उनके घर पे तो लेडीज़ काम करती हैं, तो चलो उन्हीं की मेहनत की वजह से आज मैं ये डेयरी फार्म खड़ा कर रहा हूँ। अगर मैं उनकी मेहनत नहीं होती तो मैं आज कुछ भी नहीं था भाई उनकी मेहनत के बिना। क्यों, अगर डेयरी फार्म की भी अगर बात करें तो 1-2 नौकर रखते, उनकी पेमेंट लगा के करें तो इतने साल हो गए मेरे को लगे हुए, तो उनकी मेहनत से ही मैं आज यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ भाई, डेयरी फार्म जो खड़ा कर रहे हैं। ये जो तालाब का लेंटर लगा दिया और उसके बाद जो ये ऊपर सरिये निकाल दिए भाई 2-2, 2.5-2.5 फुट तक, और इसके दोनों साइड 4-4 इंची की ईंटों की चिनती कर दी, और बीच में इसके बजरी भरी जाएगी, बजरी का एक किस्म का 2-2.5 फुट तक लेंटर हो जाएगा। ये सारा मिट्टी में दबना है ये 4 फुट तक, क्यों 4 फुट इसमें भर्ती होगी,
और भर्ती होने के बाद ही अपना ये नीचे दब जाएगा सारा, तो मजबूती का कर रहे हैं भाई और टाइम बताएगा ये। इसमें देखे 4 इंची दोनों साइड दीवार करके और इसमें बजरी भर दी और ऊपर से इसको 14 इंची उठाएंगे और पानी निकालने के लिए इसका पानी वाल लगा दिया है और वाल के आगे जैसे इधर से 4 इंची पाइप है तो वाल खोलते ही अपना जो गंदा ये आगे पाइप लगा हुआ है ये आगे खाड़ में पड़ा हुआ है और अपना ही ये ज्वार राजो भी है इसमें बिजाई हुआ है तो उसमें ये चले जाया करेगा। तो धीरे धीरे ये पूरा होगा, 2-3 दिन बाद इसके अंदर बजरी भरी जाएगी भाई, ईंटें सूख जाएंगी उसके ऊपर, फिर 14 इंची की चिनाई होगी। आगे भी आप सब भाइयों को दिखाता रहूँगा और आप सब भाइयों को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना भाई।